हेलो एवरीवन, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, हम लोग आज डायरेक्ट टैक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ाए थे, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। फिर हम कॉस्ट पढ़ा रहे थे, तो कॉस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, बजट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स का न्यू चैप्टर। बोले थे ऐसे तो बाद में करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर दे रहे हैं क्लास हम। तो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ये न्यू चैप्टर है। पहले चैप्टर्स का अच्छा से इंट्रोडक्शन ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, हम आप लोगों को बताया था कि जब एक इंसान पैसा कमाता है तो उसका पांच सोर्स ऑफ इनकम है, पांच सोर्स ऑफ इनकम है, डायरेक्ट इनकम। जो इंसान पांच ऐसा जगह से पैसा कमाता है तो उसका पांच सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसमें से एक है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इसका मतलब क्या है? क्योंकि कोई जरूरी है कि कोई आदमी अगर सैलरी भी कहीं पर काम कर रहा है तो क्या वो बिजनेस नहीं कर सकता? वो बंदा बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। तो कोई कोई इंसान कहीं पर सैलरी में काम भी कर रहा है, प्लस वो अलग से बिजनेस भी कर रहा है। तो जो इंसान बिजनेस से पैसा कमाता है, जो इंसान बिजनेस करके पैसा कमाता है, तो उसको हम लोग ये हेड में डालते हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अब एक बात समझ लीजिए, ये चैप्टर के अंदर चार टॉपिक, उस चार टॉपिक पे हम लोग क्लास करेंगे। पहला टॉपिक का नाम है, लिख लीजिए आप लोग, पहला टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। यूजुअली बहुत बार सीयूबी कॉम ऑनर्स में इस चैप्टर से डेप्रिसिएशन का एक अलग से सम देता है, जो 5 मार्क्स का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, 5 मार्क्स का आता है डेप्रिसिएशन। ये रहा पहला बात। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं, सेकेंड टॉपिक है बिजनेस। जो आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस का एक 10 मार्क्स का सम्स आता है। ये रहा सेकेंड, पहला क्या बोला डेप्रिसिएशन, दूसरा बोला बिजनेस, तीसरा आते हैं, तीसरा का नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस अलग है। तो थर्ड टॉपिक का नाम क्या बताया? पार्टनरशिप बिजनेस। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक का नाम, प्रोफेशन। चौथा टॉपिक का नाम है प्रोफेशन। आप ये भी सुन लीजिए, प्रोफेशन बहुत होता है, लेकिन आप लोग का सीयू का सिलेबस पे दो ही प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डॉक्टर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा डॉक्टर। तो क्या बताया आपको, इस चैप्टर में हम लोग चार टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर वन डेप्रिसिएशन, नंबर टू बिजनेस, नंबर थ्री पार्टनरशिप बिजनेस, नंबर फोर प्रोफेशन, ठीक है। तो ये चार टॉपिक को हम लोग को इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। अब रहा बात कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है डेप्रिसिएशन, उसको हम आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी यहाँ से फॉर्मेट रेडी रखा है, आपने उसको देख के कॉपी कीजिएगा और उससे पहले इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, हम लोग अकाउंट्स में जो पढ़ाया है डेप्रिसिएशन, क्या पढ़ाया आप लोग को कि भाई अगर कोई एसेट अगर 1 महीना यूज होता है, 1 महीना, तो हम उसको 1 महीना डेप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई एसेट 2 महीना चला है तो हम उसको 2 महीना डेप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई एसेट 6 मंथ चला है तो हम उसको 6 मंथ डेप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई एसेट 8 महीना चला है तो हम 8 महीना डेप्रिशिएट करेंगे। ये अकाउंट्स बोलता है, अकाउंट्स में कोई भी एसेट को डेप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, जितना दिन चलेगा उतना दिन ही डेप्रिशिएट करेंगे। अब बात है कि सर टैक्स में डेप्रिसिएशन का लॉजिक एकदम चेंज हो जाता है। इधर पर क्या होता है, एसेट को ब्लॉक बना दिया जाता है, एसेट को ब्लॉक बना दिया जाता है। मेरे पास 5 बिल्डिंग है तो अलग अलग बिल्डिंग को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता है, सब बिल्डिंग को एक जगह करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है। मेरे पास 5 का एक मशीन है, एक जगह 5 मशीन, एक जगह 3 मशीन है, सबको एक जगह करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है और उसके बाद उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में जो हम लोग एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, उसका सिस्टम एकदम सिंपल बनाया गया है। एकदम सिंपल क्या बनाया गया, सुन लीजिए। कोई भी एसेट अगर 180 180 180
180 डेज से अगर ज्यादा यूज करते हैं तो उसको पूरा साल का डेप्रिसिएशन देना होगा। और अगर कोई एसेट 180 डेज से कम यूज हुआ है, 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो उस एसेट को 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई एसेट अगर 180 डेज से ज्यादा यूज किया, 180 डेज से ज्यादा यूज किया, तो डेप्रिसिएशन 1 साल का चार्ज करेंगे। और अगर कोई एसेट 180 डेज से कम यूज हुआ है, 180 डेज से कम यूज किया, तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीना का चार्ज होगा। ये एक सिंपल तरीका है जो टैक्स पे यूज होता है। अब ये भी सुन लीजिए, अब एसेट को खरीद के लाया लेकिन यूज में कोई और दिन से ले रहे, तो चेक किया जाता है कि एसेट कब से यूज हो रहा है। यूज जो दिन से यूज किया जाता है उसी दिन से डेट को पकड़ा जाता है एसेट का। इसमें ऐसा नहीं है कि हम 2 महीना पहले लाया है तो 2 महीना का चार्ज करेंगे, 4 महीना पहले लाया तो 4 महीना का चार्ज करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, ऐसा सिर्फ अकाउंट्स में सिस्टम है। टैक्स में सिर्फ दो ही तरीका है, अगर 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन देंगे, और अगर 180 डेज से कम यूज हुआ है तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन देंगे। ये एक सिंपल तरीका है। अब सुनिए, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर क्या है 2021। प्रीवियस ईयर क्या है 1920 और असेसमेंट ईयर क्या है 2021। इसका मतलब क्या है कि जो भी एसेट को आप डेप्रिशिएट करोगे या कोई एसेट अगर खरीद के आता है, वो एसेट जो नया एसेट आपका आना चाहिए वो कौन सा ईयर में आना चाहिए 1920 में। अगर वो एसेट, अगर कोई एसेट आप खरीद के ला रहे हैं वो 1920 में नहीं आ रहा है, 2019-20 में नहीं आ रहा है, तो हम उसको ले नहीं सकते, उसका कैलकुलेशन होगा ही नहीं। टैक्स का मतलब क्या होता है, पुराना जो एसेट है तो चल ही रहा आपका, पुराना बहुत पहले का एसेट है, तो वो एसेट अगर 1920 में भी यूज कर रहे हो, लेकिन अगर कोई नया एसेट 1920 में आ रहा है तब उसको डेप्रिशिएट करेंगे, 1920 में नहीं आ रहा है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये रहा बात। अब इसका कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या है देखिए, कोई भी एसेट अगर आपके पास पहले से है तो उसका पहले आप वैल्यू लिखेगा, रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब 2019 का पहला अप्रैल को आपके पास जो पुराना एसेट है पहले आप उसका वैल्यू लिखिएगा, दिया रहेगा। उसके बाद आप साल के दौरान जो नया एसेट आप परचेस कीजिएगा, साल के दौरान जो नया एसेट आप परचेस कीजिएगा उसको ऐड कीजिएगा, पुराना एसेट और नया एसेट दोनों को ऐड करके एक वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद साल के दौरान जो भी एसेट आप बेचिएगा उसको आप लेस कीजिएगा, लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पे ही हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन कैसे वो आपको सब में समझाएंगे, ठीक है। ये एक बात रहा फॉर्मेट, इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अब डेप्रिसिएशन के एक रेट चार्ट बनाया गया है, रेट चार्ट, वो रेट चार्ट क्या है, अगर आप कोई भी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो बिल्डिंग का 5% डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल मतलब जिसमें आदमी लोग रहता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, घर बना के रहते हैं जो बिल्डिंग में, लेकिन ख्याल रहे होटल, होटल छोड़ के, होटल वोटल में भी आदमी रहता है लेकिन वो तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, तो ख्याल रहे जो बिल्डिंग में हम लोग अपना घर बना के रहते हैं उसका 5% डेप्रिसिएशन होता है। और अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेजिडेंशियल मतलब जिसमें होटल का काम हो रहा है, कोई भी अलग कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो बिल्डिंग में घर छोड़ के जितना रहता नहीं है तो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 10% चार्ज है। फर्नीचर का रेट होता है 10%, प्लांट और मशीनरी या मोटर कार ये सब का डेप्रिसिएशन रेट होता है 15% इन जनरल लिखा है। इन जनरल का मतलब नॉर्मली कुछ मेंशन नहीं करेगा तो 15% होता है, लेकिन अलग अलग मशीन अलग अलग कैटेगरी के लिए यूज होता है, ऐसा आपका पेज नंबर हम बता देंगे कौन सा पेज नंबर में अलग अलग कैटेगरी का प्लांट मशीन में क्या क्या रेट होता है, तो उतना आप लोगों सिलेबस में आता नहीं है। नॉर्मली इतना याद रखना है कि प्लांट और मशीन पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये रहा आपका रेट चार्ट, इसको रेट चार्ट को कॉपी कर लीजिए कॉपी में अच्छा से, ये आपका फॉर्मेट है,
ये फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे, ठीक है। अच्छा से कॉपी कर लीजिए, तो सम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 31 पेज नंबर 69, हम पेज नंबर लिख के कर रहे, थोड़ा आगे पीछे सम है, हमको एक पैटर्न बना के करना ताकि तुम लोग समझ में आ जाए, ठीक है। सबके पास बुक होगा, क्वेश्चन तो फिर भी सेंड कर देते हैं, जिसके बाद नहीं भी है तो क्वेश्चन सेंड कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 31 पेज नंबर 369, हम क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं और अच्छा से सुनिएगा आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अलाउएबल डेप्रिसिएशन, मतलब बता रहे कि बताइए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 2021 के लिए चार्ज करेंगे, लेकिन हम लोग सारा कैलकुलेशन कब का देखेंगे, 1920 का। पहला इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2019 18 लाख, बता रहा है कि 1 अप्रैल 2019 में, मतलब 2019 का 1 अप्रैल को आपके पास एक मशीन है, पुराना मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट बताया जा रहा है 18 लाख। क्या बता रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख। अब बताओ हम आपको क्या बताया था, फॉर्मेट में पहला लाइन क्या लिखा आता है, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब 2019 का पहला तारीख को आपके पास इतना का मशीन है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है 18 लाख। लेकिन एक इशू क्या है कि हम अपना फॉर्मेट में क्या लिखा है, रिटेन डाउन वैल्यू, लेकिन ये लोग क्या बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं देंगे, ये बहुत मशीन का ओरिजिनल दाम बता रहा है, लोग ओरिजिनल दाम नहीं लेंगे, हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए सेकेंड लाइन क्या लिखा है, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 11 लाख। देखिए यहाँ पर दो बार बताया, 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन है जिसके पास ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख है, फिर उसी डेट में आपके वही मशीन का रिटेन डाउन वैल्यू बता रहा है 11 लाख। हम लोग कौन सा लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे या रिटेन डाउन, हम लोग लेंगे रिटेन डाउन वैल्यू, तो कितना बताया है 11 लाख। तो हम लिखते हैं, देखिए रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2019 क्या लेंगे बताइए, तो 11 लाख ले लिया, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेना है, हम लोग क्या लेना है WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। अच्छा फॉर्मेट के हिसाब से नेक्स्ट क्या आना चाहिए, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। देखो हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एडिशन टू द प्लांट एंड मशीन, एडिशन मतलब नया मशीन आया है 3 लाख रुपया का, एडिशन डेट नहीं बताया कब आया, आगे पढ़ते हैं, नया मशीन आया है 3 लाख का, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ मतलब जो 3 लाख का जो मशीन आया है उसमें आउट ऑफ विच प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, 3 लाख का जो मशीन आया है उसमें से 1 लाख का मशीन परचेज्ड ऑन 15 अक्टूबर, ये मशीन 3 लाख का जो नया मशीन आया है उसमें से 1 लाख का मशीन 15 अक्टूबर को खरीदा गया, 15 अक्टूबर 2019। अगर आप बताइए अगर कोई मशीन 15 अक्टूबर 2019 को आया है तो इसका मतलब क्या है कि 3 लाख में से 2 लाख जो मशीन है 2 लाख रुपया का वो बहुत पहले आ चुका है, लेकिन जो 1 लाख का मशीन है वो 15 अक्टूबर को आया है, कब आया है 15 अक्टूबर। अगर आप जोड़िएगा 15 अक्टूबर से 31 मार्च कितना दिन होता है, देखिए नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 30, ठीक है, जनवरी का 30, फेब का 30 पकड़ते हैं एवरेज, मार्च में 30, अप्रॉक्सिमेट एवरेज 30 पकड़ते, तो 5 मंथ का कितना हो गया 30 × 5 150 डेज अप्रॉक्स, और अक्टूबर का 15 दिन, तो 150 + 50 = 165 डेज। इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि जो नया मशीन आया है 3 लाख का उसमें से 1 लाख रुपीज वाला जो मशीन है वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, 1 अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 165 डेज का करीब यूज हुआ है। तो एक बात साफ हो गया कि जो नया मशीन आया है उसमें से 3 लाख में से 1 लाख 180 दिन से कम यूज हुआ है और 2 लाख का मशीन पूरा यूज हुआ है। बट अंदर देखो हम लोग लिखे हैं कैसे, प्लस परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग मशीन कितना नया खरीदा है 3 लाख का, ऐड कर दिया
11 लाख प्लस 3 लाख कितना होता है 14 लाख। इसके बाद हम फॉर्मेट में क्या लिखा है कि अगर आप कोई मशीन बेचते हैं तो उसको लेस कीजिएगा, माइनस सेल ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर, सेल ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर मतलब मशीन कितना बेचे। सुनिएगा अच्छा से, यहां लिखा है सेल प्रोसीड ऑफ मशीनरी 1 लाख, मतलब आप मशीन कोई पुराना मशीन को बेच दिए 1 लाख में, 1 लाख में बेचे। अब पूरा वास्तव में ओरिजिनली बॉडी मशीन को हम खरीदा था 2017 में 1,40,000 में, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कब खरीदा कितने में खरीदा डजंट मैटर, हम बेच कितना कितना में है रहे वो मैटर करता है। तो आप बेचे कितना में 1 लाख में, लेकिन ये मशीन खरीदा था कब 2017 में 1,40,000। रिटेंड ऑन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल इस साल इसका वैल्यू है 1,01,250। हमको उससे भी क्या मतलब है, खरीदा था 1,40,000 में, आज उसका वैल्यू 1,01,250 है, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं। हम बेचे कितना में, सेल प्रोसीड 1 लाख, हम मशीन को 1 लाख में बेचे, वो मेरे लिए मैटर करता है। तो मशीन को 1 लाख में बेचा है, लेस किया तो वैल्यू कितना बचा 13 लाख। अब हमको डेप्रिसिएशन देना है, तो मतलब क्या है, हम क्या बताया, ये लोग ब्लॉक हिसाब से सम करता है। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस कंपनी के पास या आदमी के पास टोटल कितना रुपया का एसेट बचा 13 लाख का, लेकिन अब डेप्रिसिएशन जब देंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ने बोला 15%। अगर हम ऐसे ही बोला ना, प्लांट और मशीन में कितना चार्ज करते हैं लोग 15%, तो चेक कीजिए कॉपी में दिखाया है प्लांट और मशीनरी 15%, लेकिन डेप्रिसिएशन देंगे कैसे। देखिए ये लिखा हम डेप्रिसिएशन, आपको पता है ना कि इसके अंदर एक ऐसा भी मशीन है जो 180 दिन से कम चला, तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 13 लाख का मशीन है। 13 लाख के अंदर 1 लाख का जो मशीन है वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो 13 लाख को अलग कर लेते हैं, 12 लाख अलग और 1 लाख अलग। देखिए कैसे 12 लाख के ऊपर हम पूरा 15% चार्ज करेंगे, प्लस 1 लाख के ऊपर 15% 6 मंथ। 13 लाख का मशीन बचा है, 13 लाख के अंदर 1 लाख का जो मशीन है वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, और 12 लाख का मशीन पूरा साल यूज हुआ है। तो 12 लाख का 15% और 1 लाख का 15% 6 महीना, तो कितना निकलेगा बताइए तो जरा। 12 लाख का 15% 1,80,000 और 1,80,000 और 1 लाख का 15% होता है 15,000, 15,000 का 6 महीना 7,500, इसमें ऐड कर देते हैं तो 1,87,500। तो इसका मतलब ये कंपनी एक साल में अपना टोटल मशीन का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 1,87,500। फिर से समझा रहे, एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर 13 लाख बचा है, 13 लाख में 1 लाख का मशीन जो है वो एक साल से कम 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो इसीलिए 1 लाख का अलग से चार्ज किया, 13 लाख में से 1 लाख घट गया, 12 लाख का जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा साल का चार्ज किया। समझ में आया, अभी और डेप्रिसिएशन का सम करेंगे, कॉपी कीजिए नेक्स्ट सम हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 358। इस सब में दो एसेट है, ठीक है, सब ऑनर्स का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, सुनिएगा अच्छा से। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दो इंफॉर्मेशन है, एक तरफ प्लांट एंड मशीन है, एक तरफ फर्नीचर है। पहले प्लांट एंड मशीन का करेंगे, ठीक है, पहले किसे करेंगे, प्लांट एंड मशीन का, ठीक है, मैं लिख भी दे रहे, प्लांट एंड मशीन, ठीक है, क्या लिखा सुनिएगा। रिटेन डॉन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, रिटेन डॉन, हम क्या समझाया था आप लोग को कि हम लोग जो पहला लाइन लिखते हैं कि मतलब आपके पास पुराना कितना एसेट है, तो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेते, क्या लेते हैं, रिटेन डॉन वैल्यू। तो जो पहला लाइन में ही लिख दिया है रिटेन डॉन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3 लाख, तो हम लोग भी लिख देंगे रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना बताया है, सुनिएगा अच्छा से, 3 लाख। अब तुम उनसे सवाल करोगे कि सर आप ये कॉलम में क्यों लिख रहे, क्योंकि इस सब में दो मशीन है, दो एसेट है,
इसलिए इनका काम अंदर करके फिर बाहर करेंगे। ठीक है, देखिए आप बताइए फॉर्मेट के हिसाब से रिटेन डाउन वैल्यू के बाद क्या आता है, परचेजेस ड्यूरिंग। सुनिए, लिखा है परचेजेस ड्यूरिंग 2019-20, लिखा हुआ है कि हम परचेज कितना किया है साल के दौरान, कितना रुपए का परचेज किया है, 1,00,000 रुपीज। बताया नहीं कब खरीदा नहीं खरीदा, पहले लिख देते उसके बाद हम नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000, एड कर दीजिए कितना आया 4,00,000। इसके बाद क्या लेस होता है, सेल ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर, कितना का सेल किया वो भी लिखा हुआ है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, सेल ड्यूरिंग 1920 कितना सेल किया, 50,000। कितना सेल किया है, 50,000। तो 4,00,000 से 50,000 चलेगी, कितना बचा 3,50,000। हमको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन हमको एक बात का डाउट है कि सर जो नया मशीन आया वो कब आया, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है ना भाई, देखो आपने नीचे में लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीन, मतलब आप जो नया मशीन खरीदे है इंक्लूड वन मशीन कॉस्टिंग 40,000, मतलब आप जो ये 1,00,000 का नया मशीन खरीदे है उसके अंदर एक 40,000 का नया मशीन जो है वो खरीदा है 7 नवंबर 2019 में, 7 नवंबर 2019। एकदम अच्छे से सुनिएगा, हम जो नया 1,00,000 का मशीन खरीदा है उसके अंदर जो 40,000 का जो मशीन है, 1,00,000 के अंदर जो 40,000 का मशीन है वो हम नवंबर में खरीदा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगर आप नवंबर में खरीद रहे हैं तो मशीन 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1,00,000 के अंदर जो 40,000 का मशीन है वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो जो 60,000 का न्यू मशीन है वो पूरा 7 चल है। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन कैसे देखें, रेट नहीं बताया है, रेट बताया है 15% नीचे लिखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे देखें, ये लिखा हम डेप्रिसिएशन, लेकिन हम क्या समझाया टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में आपका टोटल कितना का मशीन है, 3,50,000। लेकिन हम जानते हैं कि 3,50,000 के अंदर 3,50,000 के अंदर 40,000 का ऐसा मशीन है जो 180 डे से कम यूज हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा, 3,10,000 का 15% प्लस 40,000 का 15% 6 महीना, इसका मतलब 3,50,000 का जो मशीन आपके पास बचा उसमें से 40,000 का न्यू मशीन है, न्यू मशीन तो 1,00,000 का था, लेकिन 40,000 का जो न्यू मशीन है वो 6 महीना 180 डे से कम यूज, इसको अलग चार्ज किया, 3,50,000 से 40 हटा दिया, 3,10,000 की जो मशीन है पूरा साल यूज हुआ, इसीलिए वो हिसाब से डेप्रिसिएशन देंगे। तो कितना होगा, 3,10,000 का 15% होता है 46,500 और 40,000 का 15% होता है 6 महीना 3,000 रुपया, तो 46,500 प्लस 3,000 49,500। अब इसको बाहर कर दीजिए 49,500, इसका काम क्लोज हो गया, इसका काम खत्म, प्लांट मशीनरी का काम खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया फर्नीचर, देखिए हम यहाँ पर लिखा फर्नीचर, सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमको पहला लाइन क्या चाहिए, रिटेन डाउन वैल्यू, देखिए दिया हुआ है रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब फर्नीचर का 1 अप्रैल 2019 में रिटेन डाउन वैल्यू क्या है, 1,50,000 रुपया। तो हम लिख देंगे WDV as on 1 April 2019, that is 1,50,000। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, purchases during the year, लिखा है, हाँ लिखा है purchases during 2019-20, मतलब previous year आप कितना का furniture खरीदे हैं, 75,000 plus purchases during द ईयर 75,000, 1,50,000 प्लस 75 कितना होता है
2,25,000 लेस क्या करेंगे हम लोग, सेल, जो सेल करते हैं। अच्छा, फर्नीचर जो परचेज किया है उसका डेट नहीं बताया, नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल ड्यूरिंग 2019-20 2,50,000 का फर्नीचर बेच दिया है, 2,50,000 का फर्नीचर बेच दिया है। आप कुछ नया देखिएगा इसमें, आप 2 लाख, आपके पास पुराना और नया मिला के 2,25,000 का फर्नीचर है, बेच दिया कितना, 2,50,000 में फर्नीचर पूरा बेच दिया है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ, 25,000 रुपीज का शॉर्ट कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया, 25,000 का कैपिटल गेन हो गया। सर कैसे कैपिटल गेन हुआ, अरे सिंपल सा बात है, मेरे पास पुराना एसेट 1,50,000 का था, नया एसेट 75,000 का, मिला के हो गया 2,25,000 का एसेट। लेकिन 2,25,000 का मेरे पास एसेट था जिसको 2,50,000 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 2,25,000 का एसेट को 2,50,000 से बेच दिया, इसका मतलब हम लोगों को फायदा हुआ। कितना फायदा, 25,000। तो क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं। जिस सम्स में आप अगर नोटिस कीजिएगा कि जहां पर लॉस हो गया या गेन हो गया तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और तो इसका हम डेप्रिसिएशन देखिए हम क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन नील, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज। क्यों नहीं चार्ज किया, क्योंकि सर इसमें हम देखा क्या, इसमें हमको तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नजर आ गया, इसमें वो गेन नजर आ गया, एसेट बेचा, बेचने के बाद मेरे पास कुछ बच नहीं रहा, कोई ब्लॉक नहीं बचा, सारा ब्लॉक बिक्री हो गया, जिसमें से हमको फायदा नजर आया, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में आया 49,500, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद अभी एक और सब हम लोग करेंगे, डेप्रिसिएशन को पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये सब 5-5 मार्क्स में आता है, हर साल आता है, एक चीज दिमाग में बता दीजिए, अगर अलग से नहीं आया तो सम के अंदर देगा आपको, या बिजनेस के अंदर या प्रोफेशन के अंदर आपको मिला के दे देगा, तो इसको करने ही पड़ेगा आपको। अलग से भी आता है, 5 मार्क्स का नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सम्स के अंदर आपको देगा ही देगा। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सम्स करते हैं।